वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्ट्री फ्रेंड्स पे। ठीक है, और दोस्त इस वीडियो के अंदर आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड। ठीक है, दो प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे जाके उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, दो प्रैक्टिस सेट चेक करा चुका हूँ, यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स जिसमें हम बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एंटिक चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यह लिया गया है, तो इसमें पूछा है चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। एंटिक का आपका क्या पूछा है यहाँ पे, सिनोनिम्स पूछा गया है। तो फ्रेंड्स एंटिक का यहाँ पे अर्थ जान लेते हैं कि हिंदी में इसका मीन्स क्या होता है। एंटिक का अर्थ होता है आपका हिंदी में पुरातात्विक या पुराना या परंतु महत्वपूर्ण। ठीक है, पुरातन कोई चीज़ एंटिक है तो कैसी है, वो पुरानी है। कोई चीज़ एंटी है, एंटिक है अपने आप में, कैसी है, वो पुरानी है। तो अब हमें इसका सिनोनिम्स बताना है, तो हमें पुराने नाम से रिलेटेड कोई वर्ड ढूंढना होगा। ठीक है, तो क्योंकि सिनोनिम्स में उस जैसा ही सेम वर्ड चाहिए। तो आपका प्रिमिटिव होता है उसका नाम भी क्या होता है, पुरानी, पुराना या महत्वपूर्ण हो, ये पुरातन हो, परंतु हो, ये सारे वर्ड प्रिमिटिव में पाए जाते हैं। तो ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, प्रिमिटिव। ठीक है, अब बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि फॉर्मिडेबल क्या होता है। फॉर्मिडेबल का आपका सिनोनिम्स पूछा गया है यहाँ पे। तो फॉर्मिडेबल करने के लिए फ्रेंड्स हमें फॉर्मिडेबल का अर्थ जानना होगा। फॉर्मिडेबल का अर्थ होता है यहाँ पे दुस्साध्य या दुर्दम, किसी की स्थिति दुर्गम हो, किसी की स्थिति कैसी हो, दुर्गम हो, तो उसे क्या कहते हैं, फॉर्मिडेबल होगा। दुस्साध्य या दुखों से वो भरा हुआ है, ठीक है, दुखों का पहाड़ से टूट पड़ा है, वो फॉर्मिडेबल हो गया, वो गया दुस्साध्य या दुर्दम। इसका फ्रेंड्स जो सिनोनिम्स होगा वो होगा इनविसिबल। इनविसिबल की भी अर्थ होता है फॉर्मिडेबल से रिलेट करता है, यानी कि दुर्गम हो कोई व्यक्ति या फिर दुस्साध्य हो वो कैसा है, इनविसिबल है। आशा कर रहा हूँ फ्रेंड्स समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर चूज अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है ऑब्स्ट्रक्ट, क्या दिया गया है, ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का हमारे यहाँ पे आपका क्या बताना है, ऑब्स्ट्रक्ट का बताना है आपको फ्रेंड्स, ऑब्स्ट्रक्ट का आपको एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ जान लेते हैं, अर्थ क्या होता है। ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ होता है आपका बाधा पहुँचाना। ठीक है, बाधा पहुँचाना या रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो किसी को, आप क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, रोकना। तो इसका जो उल्टा होगा यानी कि विलोम शब्द होगा वो होगा इनकरेज। इनकरेज होता है आपका प्रोत्साहित करना, क्या होता है, प्रोत्साहित करना। रिटायर्ड कर रहे हो आप किसी को, जाने दे रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो आप किसी को, रोक रहे हो। और इनकरेज कर रहे हो आपका प्रोत्साहन दे रहे हो, यानी कि प्रोत्साहन दे रहे हो, ठीक है, उसे रोकने की बजाय जाने दे रहे हो। ठीक है, प्रिवेंट कर रहे हो तो आप रोक दे रहे हो, इनकरेज कर रहे हो उसे प्रोत्साहन दे रहे हो, रिटायर कर रहे हो जाने दे रहे हो, या विदहेल्ड रहे तो जोड़े रख रहे हो। ठीक है, लेकिन इनकरेज यहाँ पे सेट सही बैठेगा। इनकरेज होता है आपका प्रोत्साहित करना, रोकने की बजाय अगर तुम किसी को उत्साह वर्जन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप इनकरेज कर रहे हो, उसका उत्साह बढ़ा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका विजिलेंट। विजिलेंट का फ्रेंड्स आपका हिंदी मीन्स होता है चौकस या साकांक्ष। कोई व्यक्ति चौकस है, कैसा है, चौकस है। ठीक है, साकांक्ष है, कोई व्यक्ति साकांक्ष है या चौकस है तो वो कैसा है, विजिलेंट है। विजिलेंट वर्ड है, उसका हिंदी मीन्स होता है चौकस या संकच। संकच उसका विलोम शब्द बताना है आपको, तो क्या, अलर्ट। अलर्ट है कोई व्यक्ति सचेत है, ठीक है, सचेत को अलर्ट कहते हैं। अलर्ट है कोई व्यक्ति कैसा, सचेत। केयरलेस है, केयरलेस है, केयरफुल है तो कैसा है, अपनी केयर करने वाला। केयरलेस है तो लापरवाह हो गया, लापरवाह है। ठीक है, सचेत की जगह पर केयरलेस तो हो नहीं सकता, जो हमारा सही वर्ड होगा वहाँ होगा लापरवाह। ठीक है, कोई व्यक्ति चौकस है, सकेत रहता है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है। ठीक है, यानी कि विजिलेंट है, अपना पूरा ख्याल रखता है। ठीक है, या दूसरों का ख्याल रखता है, और उसी के बजाय कोई व्यक्ति केयरलेस हो जाए तो वो कैसा हो जाता है, लापरवाह। क्या हो जाता है, लापरवाह। तो आपका यही हो जाएगा केयरलेस, इसका हिंदी मीन्स होता है फ्रेंड्स आपका लापरवाह होता है। तो केयरलेस लापरवाह हो, बेफिक्र हो, अल्लड़ हो, उसे क्या कहते हैं, केयरलेस। ठीक है, कोई कौशन है, कौशन कहता है सावधानीपूर्वक कोई कार्य करता है, सावधानीपूर्वक उसे कौशन कहते हैं। ठीक है, विजिलेंट है कोई सचेत है, तो केयरलेस आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चेंज द नरेशन। नरेशन आपको चेंज करना है, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल नॉट गो देयर टुमारो। तो फ्रेंड्स इसको करने का सिंपल सा सिंपल सेंटेंस है, आई सेड टू हिम, क्या आई सेड टू हिम, तो आई सेड टू को हम यहाँ पे किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, आपको पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल टेंस है, इंटरोगेटिव में होता है तो सेड टू को वो आस्क में चेंज करते हैं, लेकिन सिंपल है तो आई टोल्ड हिम हो गया आपका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया। ठीक है,
आई लगाया, फिर विल की जगह पे आपका क्या आया, वुड। सेल को फ्रेंड शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में चेंज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रूल। तो आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर, ठीक है, आई वुड नॉट गो देयर, यही आपका सही हो जाएगा, आई वुड नॉट गो देयर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे टू मारो दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। टू मारो को भी द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, तो जो आपका सही हो जाएगा दसवें का वो होगा सही है चौथा, ठीक है। आई टोल्ड हिम दैट, आई सेड टू को टोल्ड में परिवर्तित किया, हिम दैट, फिर आएगा आपका आई, विल नॉट को आपका वुड नॉट में चेंज किया, गो देयर, टू मारो को आया आपका द नेक्स्ट डे, तो ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करनी है आपको, ही हैज गिवन मी अ बुक, ही हैज गिवन मी अ बुक, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ही हैज गिवन मी, मी को आप चेंज करेंगे आई में, हैज है आपका, हैज को चेंज करेंगे आप हैव बीन में चेंज करेंगे, ठीक है। गिवन थर्ड फॉर्म है ही, गिव की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो आई हैव बीन, आई को, आई क्या पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होना है, तो आई हैव बीन। फ्रेंड्स ये किस में सेंटेंस है, ये आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे, तो आई हैव बीन गिवन अ बुक बाई हिम, तीसरा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, आई हैव बीन गिवन अ बुक बाई हिम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ मूट पॉइंट का मतलब बताना, अ मूट पॉइंट क्या होता है, तो अ मूट पॉइंट होता है फ्रेंड्स आपका विवाद योग्य विषय, कोई मूट पॉइंट है किसी भारत और पाकिस्तान के बीच, फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान के बीच सिंध समझौता या कश्मीर विवाद का विषय है, ठीक है, कश्मीर विवाद का विषय बना हुआ है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो क्या है, अ मूट पॉइंट है, एक मूट पॉइंट है यानी कि विवादित विषय है, तो अ मूट पॉइंट होता है आपका विवादित, विवाद योग्य कोई विषय है उसे मूट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी मीन्स भी कुछ होगा, तो यार जो इसका हिंदी मीन्स होगा अ मूट पॉइंट का वो होगा आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका दूसरा, डिबेटेबल पॉइंट इश्यू, यानी कि डिबेट होता है आपका फ्रेंड्स बहस, बहस योग्य कोई बिंदु है या तथ्य है बहस योग्य, तो वो क्या है मूट पॉइंट है, भारत पाकिस्तान के बीच है फ्रेंड्स, रिलेट कर सकते हैं भारत पाकिस्तान से कि वो क्या है हमारे लिए एक मूट पॉइंट है, तो डिबेटेबल पॉइंट है यानी कि बहस योग्य विषय है कोई, तो वही अब मूट पॉइंट है आपका, तो 12 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा आपका डिबेटेबल पॉइंट इश्यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लूरल ऑफ नाइफ, नाइफ का आपका प्लूरल होता है के एन आई वी ई एस, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका एफ ई होता है इसमें वी ई एस में चेंज हो जाता है, के एन आई वी ई एस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब बात होती है 14 क्वेश्चंस की कि फेमिनिन ऑफ, फेमिनिन ऑफ सीजर क्या है, फेमिनिन ऑफ सीजर ए आर, फेमिनिन बताना आपका, तो इसका जो जर का आपका फेमिनिन होता है वो होता है सीजरिना, सी जेरिना, सी जेड ए आर आई एन ए, फेमिनिन ऑफ सीजर का होता है सी जेड ए आर आई एन ए, सीजरिना, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्लाउड का एडजेक्टिव बताना है आपको, 15 में क्वेश्चन पूछा गया है एडजेक्टिव ऑफ क्लाउड, क्लाउड का एडजेक्टिव क्या होगा, तो आपका जो एडजेक्टिव होगा क्लाउड का वो क्या होगा आपका क्लाउडली, ठीक है। क्लाउड का फ्रेंड्स क्लाउड होता है धीमी गति से और क्लाउडली होता है तेजी से, तो क्लाउड, क्लाउडी हो गया, ठीक है, क्लाउडी, क्लाउड का एडजेक्टिव हो गया आपका क्लाउडी। अब बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पास्ट टेंस ऑफ बी, बी का आपको पास्ट टेंस बताना है, पास्ट टेंस ऑफ बी, तो पास्ट टेंस ऑफ बी हो जाएगा आपका, बी का यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगी वो होगी आपकी वाज, वाज पास्ट टेंस की आपकी बी का हो जाएगा, ठीक है, बी का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा वाज। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की आती है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मनी पेड टू शेयर होल्डर, मनी पेड टू शेयर होल्डर बाई अ कंपनी, तो मनी पेड टू शेयर होल्डर बाई अ कंपनी, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन बताना है, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसका आपका 17 का हो जाएगा आपका, मनी पेड टू शेयर होल्डर, वन वर्ड इसका हो जाएगा आपका डिवाइडेंड, यानी कि जैसे ऐसा मनी जो शेयर होल्डर द्वारा कंपनी द्वारा क्या किया जा रहा है पेड किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, डी वी आई डी ई एन डी, डिवाइडेंड, ठीक है, डिवाइडेंड बोलते हैं उसे। बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्पॉट द मिस स्पेल्ट बताना है, इसमें मिस स्पेल्ट बताना है आपको, तो इम्यून, इम्यून आपका कैसा है सही है, वॉलेंटियर, वॉलेंटियर आपका गलत है, वॉलेंटियर की जो सही मीनिंग होती है वो फ्रेंड्स वो होती है आपकी वी ओ एल यू एन टी डब्ल्यू ई आर, वी ओ एल यू एन टी डब्ल्यू ई आर, वॉलेंटियर, ठीक है। तो और विंडी किटिव, विंडिक्टिव होता है आपका वो सही है, विंड वी एन वी आई एन डी आई, विंडी,
एक्टिव EIICTIVE, ठीक है, इमिग्रेट IMMIGRATE, इमिग्रेट भी आपका सही है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, माई शर्ट इज वाइट बट स्लैश इज येलो, बट योर शर्ट इज येलो, तो इसमें शर्ट नहीं आएगा, बट योर्स आ जाएगा आपका, यहाँ पे प्रोनाउंस पूछा गया तो योर्स आएगा। 20 का आपका थर्ड हो जाएगा, यहाँ पे जैसे प्रोनाउंस लेंगे तो माई शर्ट इज वाइट बट योर शर्ट योर्स इज येलो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वी विल बी गेटिंग द ट्रेन इन 10 मिनट, वी विल बी गेटिंग द ट्रेन इन 10 मिनट, तो स्लैश वी विल बी स्लैश वी विल बी गेटिंग स्लैश द ट्रेन इन 10 मिनट, वी विल बी गेटिंग, यहाँ पे आपका आ जाएगा गेट गेट ऑफ होगा, ठीक है, गेट ऑफ का अर्थ होता है उतरना, तो इस चीज का दूसरा हो जाएगा, वी विल बी गेटिंग ऑफ द ट्रेन इन 10 मिनट्स, गेटिंग ऑफ आएगा यहाँ पे, आएगा आपका ऑफ, दूसरा आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स आप अपना चेक करके चलते जाइए, आपको जैसे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ तो आप अपना स्कोर जाँचिए यार, ठीक है। जैसे 22 क्वेश्चन है आपका, ही विल कम स्लैश लॉन्ग, ये हमको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सही से दिख रहा है हमको, V4 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ही विल कम बिफोर लॉन्ग, ठीक है। 22 का आपका चौथा संधि हो जाएगा, ही विल कम, मेरा आंसर पर है बिफोर पहले लॉन्ग, लॉन्ग ठीक है, जा चुका था या उससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। 23 आपका, डॉग्स ऑफ दिस प्लेस, डॉग्स ऑफ दिस प्लेस आर ब्लैक, डॉग्स ऑफ दिस प्लेस आर ब्लैक, इसमें आपको बताना है किसी पर्टिकुलर प्लेस के डॉग्स की बात हो रही है, अतः दा का यूज होगा, ठीक है, द डॉग्स ऑफ दिस प्लेस आर ब्लैक, ठीक है। तो फ्रेंड्स किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात की जा रही है, इस वजह से यहाँ पे द आएगा, ठीक है, द डॉग्स ऑफ दिस प्लेस आर ब्लैक, अ डॉग्स तो कर नहीं सकते क्योंकि अ डॉग कुत्ते आ रहे हैं, और अ लगा के यार कैसे सही हो जाएगा, एन लगा नहीं सकते क्योंकि ए का एन है, नो आर्टिकल, आर्टिकल तो कोई आएगा भाई, तो द आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। 24 है आपका, इट इज़ द बेस्ट स्लैश आई कैन, तो 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इट इज़ द बेस्ट दैट आई कैन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नथिंग बट मेमोरी, नथिंग बट मेमोरी स्लैश, तो आपका 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा रिमेंस, नथिंग बट मेमोरी रिमेंस, नथिंग बट मेमोरी रिमेंस। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, दूसरा जो ऑप्शन है उसका जो सही आंसर होगा वो होगा 25 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा, रिमेंस आता है क्योंकि नथिंग बट कोई भी मेमोरी कैसी है, रिमेंस है, ठीक है, तो रिमेंस इसमें सिंगुलर है इसलिए रिमेंस का यूज होगा, रिमेंस ही आता है, रिमेन होता नहीं है कोई वर्ड, इज रिमेनिंग होगा नहीं, तो रिमेंस हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपने यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जो का आपके एयरफोर्स नेवी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपका एक्स वाई का एग्जाम आने वाला है फ्रेंड्स, आपके पास 1.5 महीने का समय है, यहाँ पे आपको रोजाना एक इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके द्वारा मिस ना किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।